क्योंकि ये बर्ड्स इंडिया के अंदर इलीगल है एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब ये हॉबी कई सौ साल पुरानी है, मगर इसकी ये सिर्फ वीडियो देखकर आप ये डिसाइड नहीं करना है इसे खरीदने का, क्योंकि इंसानों का परिंदों के साथ में काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, चाहे वो उनके रंग बिरंगे फैदर्स हों या इनकी सिंगिंग या टॉकिंग एबिलिटी हो। अगर आप देखेंगे रोमन या ग्रीक सिविलाइजेशन में बर्ड पालने का रिवाज हुआ करता था, जिसका मतलब ये बर्ड हॉबी आज से नहीं है, पिछले कई सौ सालों से हैं। और अगर आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि टॉकिंग बर्ड कौन से हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसके वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप 5 टॉकिंग पैरट्स की। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने बनाए हैं टन्स ऑफ अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, गो चेक दैट आउट। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे बर्ड्स को शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये बर्ड्स इंडिया के अंदर इलीगल है एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1973। और वो बर्ड्स कौन से हैं? वो बर्ड्स है रिंगनेक, जिन्हें देसी भी कहा जाता है, रिंगनेक और रिंगनेक की म्यूटेशन। सेकेंडली अलेक्जेंड्रीन या पहाड़ी या रॉ पैरट या उनकी म्यूटेशन। और नंबर 3 मैना या पहाड़ी मैना, जो इंडिया के अंदर इनको रखना, पजेस करना, बेचना या खरीदना इलीगल है। और ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये कोई काउंटडाउन या रैंकिंग वाइज नहीं है, इन्हें सिर्फ मैंने सीरियल नंबर वाइज में रखा हुआ है। ये है चैटरिंग लॉरी, जिसका नाम का मतलब चैटर यानी बात करना यानी कंटिन्यूस बोलना होता है, और इसका पूरा नाम होता है येलो बैक चैटरिंग लॉरी। इसके आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे हुए होंगे जो YouTube पर और बहुत सारे रील्स में वायरल्स हुए थे। लेट्स हैव अ लुक एट इट। मगर इसकी ये सिर्फ वीडियो देखकर आप ये डिसाइड नहीं करना है इसे खरीदने का, क्योंकि मैंने लॉरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अ गाइड टू लॉरी एंड लॉरिकेट, गो चेक दैट आउट। मॉन्क या क्वैकर, ये बर्ड सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होता है एक टॉकिंग या मिमिक करने वाले बर्ड्स के सेक्शन में, क्योंकि ये बर्ड की जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो 12,000 से लेके 40,000 तक मैक्सिमम चली जाती है। ये दिखने में तो काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं, मगर इनकी टॉकिंग एबिलिटी मॉडरेटली गुड होती है, और इनके अंदर काफ़ी अलग अलग म्यूटेशन आते हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू एंड अल्बाइनो एंड लुटिनो। काकाटूज के अंदर बहुत सारी डिफरेंट सब स्पीसीज आती है, वाइट काकाटूज या ब्लैक काकाटूज। वाइट के अंदर कौन सी आती है? अमरेला, सल्फर, गॉफिन्स, मेजर मिचल और मलकन काकाटू। ब्लैक के अंदर कौन सी आती है? रेड टेल ब्लैक काकाटू, ब्लैक पाम काकाटू। मगर इनके अंदर जो टॉकिंग एबिलिटी जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली, वो होती है वाइट काकाटूज के अंदर, और ख़ासकर फॉर एग्जांपल अमरेला काकाटू। अमरेला काकाटूज आर नोन फॉर देयर मिमिकिंग एबिलिटीज एज वेल एज टॉकिंग एबिलिटी, मगर मलकन काकाटूज जो दुनिया भर में मशहूर होते हैं वो होते हैं उनकी डांसिंग स्किल्स के साथ साथ उनकी टॉकिंग स्किल्स के साथ। अफ्रीकन ग्रे जितना ज़्यादा फेमस है उतना ही ज़्यादा उसके साथ में मिसट्रीटमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही गूगल या यूट्यूब पर सर्च मारते हैं बेस्ट टॉकिंग बर्ड, सबसे पहला रिजल्ट आता है अफ्रीकन ग्रे, अफ्रीकन ग्रे, अफ्रीकन ग्रे, जिसकी वजह से इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, और जब इनकी डिमांड बढ़ती है तो इनकी सप्लाई को कवर करने के लिए लोग बीमार गलत ब्लड लाइन मिक्स किया हुआ बर्ड भी लोग ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस बर्ड की सारी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट जाने बगैर ये बर्ड को ख़रीद लेते हैं, फिर आपकी उम्मीद और आपकी एक्सपेक्टेशन यानी आप जो एक्सपेक्ट करते हैं और जो रियलिटी होती है उसमें गैप आना स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए मैंने अफ्रीकन ग्रे पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, विच आई हाईली रिकमेंड आप जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या उम्मीद कर बर्ड ला रहे हैं और एक्चुअल में रिजल्ट क्या हो रहा है, यानी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में क्या डिफरेंस आता है। अगला बर्ड अमेजोन। अमेजोन की दुनिया भर में 20 से भी ज़्यादा सब स्पीसीज होती हैं, जैसे रेड लॉर्ड, ऑरेंज विंग, ब्लू फ्रंटेड, येलो नेप, मैग्ना डबल येलो हेडेड, वाइट फ्रंटेड अमेजोन। मगर इनमें जो सबसे सुपीरियर माने जाते हैं वो माने जाते हैं येलो नेप को। येलो नेप क्यों कहते हैं? आप देख सकते हैं इसके सर के पीछे का जो येलो पट्टा आप देख सकते हैं,
इसीलिए इन्हें येलो नेप कहा जाता है एंड दे आर अमेजिंग टॉकिंग बर्ड्स। अगला जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है टॉकिंग के दो महारथी मतलब टॉकिंग के दो बादशाहों के बीच में अमेजोन और अफ्रीकन ग्रे के कंपैरिजन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दोनों बर्ड्स की डिटेल्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये था आज का वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा या आपका सबसे फेवरेट टॉकिंग बर्ड कौन सा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।